और देश के नागरिकों से आपके माध्यम से मैं अपील कर रहा हूँ कि 18 तारीख को किसी का रिजर्वेशन है कैंसिल करा दें। फिर ये ना कहे कि हम लोगों को परेशानी हुई है, क्योंकि सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक रेल का चक्का जाम रहेगा पूरे भारत के अंदर। देखिए, हम लोगों ने पहले ही कहा था और किसान कभी झूठ नहीं बोलता, ये बहुत खुला और सीधा होता है किसान। और किसान ने जब कहा था कि उसका बेटा था गाड़ी में, तभी हमने मान लिया था कि हमारा किसान झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन गृह राज्य मंत्री वो तो पहले से ही नकार के आ रहे थे, हमारा बेटा उसमें था ही नहीं, अगर भी वहां पर रहता तो उसका भी हत्या हो जाता। चोर कभी कहता है कि मैंने चोरी की है, अपराधी फांसी के फंदे तक जाता जाता मना करता है कि हजूर मैंने अपराध नहीं किया, सारे सबूत आने के बाद सजा होने के बाद भी मना करता है। तो वो उसका तो बेटा है, वो कैसे जाएगा? और गृह राज्य मंत्री है, सारे जितने भी आईपीएस अधिकारी हैं वो सब उसके अंडर में आते हैं, तो सबसे पहले उसका इस्तीफा होना चाहिए या बर्खास्त होना चाहिए और उसको भी अरेस्ट करके, 120 बी का मुलजिम है वो, उसको भी अंदर करो, तब यहाँ निष्पक्ष जांच हो सकती है। वरना एक दरोगा की हिम्मत है कि वो जो है गृह राज्य मंत्री के बयान ले ले? इससे पहले भी आपने भी देखा होगा कई तरीके के आरोप भी लगा था, जो वो नेपाल भाग गए हैं, घर पर नहीं है, नोटिस चिपकाने के बावजूद भी वो पेश भी नहीं हुए थे, इसकी तमाम चीज़ें जो राजनीति भी कहीं ना कहीं हुआ था। लेकिन अब एक चीज़ ये देखा जाए तो अब तो वो पेश भी हो गया, उनकी गिरफ्तारी हो गया, अब कल उनकी सुनवाई भी है, तो आगे क्या कुछ रहेगा, क्या लगता है किसका जीत होने वाला? देखिए, आपने कैसे कहा उसमें राजनीति हो रही है कि वो नेपाल भाग गया और वहाँ भाग गया, ये तो प्रशासन ने भी बताया है कि उसकी मोबाइल की लोकेशन है, मुझे थोड़ा ही पता है तुम कहाँ कहाँ जा रहे हो। जब पुलिस ने आपकी लोकेशन जारी किया तभी तो पता चला कि आप दिल्ली भी गए थे, आप गाजियाबाद भी गए थे, आप फरीदाबाद भी गए थे। तो वो भागा है, अपराधी है और अपराधी भागता है। अगर मैं निर्दोष हूँ तो मेरे ऊपर खूब इल्जाम लगा लो, मैं तुरंत पहुंचूंगा। चोर के पैर नहीं होते, इसीलिए वो भाग रहा था और वो सोच रहा था कि किस तरीके से मैं सबूतों को मिटा दूं और अपनी जान बचा लूं। लेकिन आपने भी देखा होगा तौजी, जिस तरीके से उनसे जब पूछताछ हुआ और आपने ये आरोप लगाया और आपने कहा जो चाय नाश्ता सब कुछ गया एक आरोपी के लिए, जो एक मतलब हत्यारा है उसके लिए, लेकिन एक चीज आपने भी देखा होगा जो वहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा था कि कॉपरेट नहीं कर रहा, इसीलिए इसे हिरासत में लिया गया। देखिए, हिरासत में तो लेना ही था उनको, अपराधी को छोड़ दोगे तुम उसे आज? छोड़ दो, फिर तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, क्योंकि भागने का तो बीजेपी का इतिहास रहा है, भगाने का इतिहास रहा है, देश से जितने भागे हैं बीजेपी के राज में भागे हैं। एक दो का नाम भी बता दीजिए। अरे नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, सारे भगोड़े इन्हीं के राज में भागे हैं। देश का आप देखोगे, मैं आज खुले मन से कहूं, देश का गृह मंत्री तड़ी पार इस सजा का, देश का गृह राज्य मंत्री चंदन तस्कर, डीजल पेट्रोल का तस्कर और स्मगलर, 302 का हत्यारा, गुंडा एक्ट, 30 सीटर, ये सब है उसमें। वो गृह राज्य मंत्री और पूरे भारत की आंतरिक सुरक्षा इन्हीं के हाथ में। तो भैया जो गुंडे हैं, देखिए चोर चोर मोसेरे भाई होते हैं, कहावत है ना, चोर चोर मोसेरे भाई, और चोर चाहे इंग्लैंड का हो चाहे भारत का हो, एक मिनट में एक हो जाते हैं। तो अपराधी अपराधी एक होते हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि जो आंतरिक सुरक्षा में जो छेद हो रहा है वो यही लोग करा रहे हैं। जी, आपने एक एक जो शब्द है वो काफी कई बार आपने दोहराया, आरोपी और अपराधी, लेकिन अभी तो जांच चल रहा है, उनके खिलाफ चल रहा है जांच, चल रहा है पड़ताल, सब कुछ अभी लाइन बाय लाइन चल ही रहा है, कल वो उसे पेशी है, उसके बाद अभी क्या कुछ हुआ वो कोर्ट पर ले जा रहे हैं, क्या होगा? ये बैठ के फिर जो है अपने केस वापस ले लेंगे, सत्ता इनकी, सब चीज इनकी। जिस तरह हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने सारे मुकदमे मुख्यमंत्री बनते के साथ सारे वापस ले लिए, ऐसे ये ले लेंगे। देखिए, छोटे लोगों को डाल दो अंदर, हाँ तो वो विधायक है जो गृह राज्य मंत्री का बेटा है और गृह मंत्री का कमर पे हाथ है।
कहाँ कानून का राज है। और अब वो कहता है अपराधी का घर भी ढहेगा, तो पूछो योगी जी से कि अब बुलडोजर कौन से दिन चलेगा। अच्छा तो जी एक आखिरी सवाल ये है, जो आशीष मिश्रा को गिरफ्तार हो गया, क्या लगता है अजय मिश्रा जो है उनके जो पिताजी के गृह राज्य मंत्री है वो इस्तीफा देंगे? देना पड़ेगा और जेल भेजना पड़ेगा। 12 तारीख को किसानों के रस्म पगड़ी होगी वहाँ, और उन पांचों किसानों की, चार किसान और एक पत्रकार किसान, उनका अस्थि कलश पूरे भारत में जाएगा, सब उसे नमन करेंगे। 15 तारीख को दशहरे के दिन, बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है, तो देश के जो बुरे लोग हैं वो मोदी है, अमित शाह है, तीसरा प्रदेश वाले अपने आप चुन ले कौन उनका प्यारा है, तीनों के पुतले दहन होंगे पूरे देश के अंदर। देखिए रावण का भी मंदिर है, सब जलाते हैं, और 18 तारीख को या सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक पूरे भारत में चक्का जाम रहेगा। और देश के नागरिकों से आपके माध्यम से मैं अपील कर रहा हूँ कि 18 तारीख को किसी का रिजर्वेशन है कैंसिल करा दें, फिर ये ना कहे कि हम लोगों को परेशानी हुई है, क्योंकि सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक रेल का चक्का जाम रहेगा पूरे भारत के अंदर, और अगर किसी को परेशानी होगी तो उस परेशानी का वो स्वयं जिम्मेवार होगा, किसानों को उसमें ना घसीटा जाए। नहीं, बाप 120 बी का मुलजिम है, धमकी देने वाला, साथ देने वाला और अपराधी को शरण देने वाला। जब धमकी दी थी माइक से पंचायत में खड़े होकर के मुझे पहचान लो जो मुझे नहीं जानते, मैं मंत्री नहीं सांसद और विधायक से पहले मैं क्या था, अगर मुझे जान लोगे तो 2 मिनट में उत्तर प्रदेश छुड़वा दूंगा, ये धमकी दी थी। और दूसरी चीज, 26 अक्टूबर को लखनऊ में किसान महापंचायत होगी, तो अब इनको हम बख्शेंगे नहीं, बेटा गया बाप जागा, और जो उसको शरण देगा उसका नंबर 7 में लगा देंगे।